आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसमें अपने जितने भी सफाई कर्मचारी थी, बेलदार थी या अन्य जो कर्मचारी जो अन्य विभागों में स्कूलों में काम करती हैं महिलाएं, उनको सम्मानित किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उनके जो जीवन है उनके योगदान को आज सम्मान किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको एहसास दिलाया जा रहा है कि हमारे जीवन में उनकी क्या अहम भूमिका है। इसी उपलक्ष्य में आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के केशवपुरम जोन ने एक नई शुरुआत की है। आज सभी जो विभाग की महिला है, एमसीडी कर्मचारी है, उनको सम्मान किया जा रहा है। लेकर चलेंगे आखिर क्या है कार्यक्रम में, खास देखेंगे क्या कार्यक्रम था, महिलाओं को आज सम्मान किया गया है, खासकर जो महिला घर के बाहर भी काम करती है। देखिए, हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा गया है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और ये बिल्कुल सत्य है। और इस चीज़ को हम लोग अपने जोन के अंदर भी मूर्त रूप दें, तो आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसमें अपने जितने भी सफाई कर्मचारी थी, बेलदार थी या अन्य जो कर्मचारी जो अन्य विभागों में स्कूलों में काम करती हैं महिलाएं, उनको सम्मानित किया है। और उसके साथ साथ उनको ये इस चीज़ का भी एहसास हुआ है कि महिलाओं का योगदान परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत अधिक है। और विशेष रूप से जो महिलाएं कामकाजी हैं वो सुबह पहले अपने घर को संवारती हैं, उसके बाद ऑफिस में आके काम करती हैं, पैसा भी कमाती हैं। तो आज ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि एक महिला जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी बहन बेटी जो महिला है, उन लोगों का जो योगदान है वो हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके जो एक समाज के अंदर दूषित प्रवृत्ति कई बार देखने को मिलती है वो खत्म होनी चाहिए, तो ये भी एक संदेश देने का कारण था। कर्मचारियों को ही आपने, चाहे बेलदार हो, हर एक विभाग के महिलाओं को आपने सम्मान किया है, कहीं ना कहीं उनकी ये भी मांगे कि हमें पक्का कर दिया जाए। देखिए, हमने इस बार 6,000 कर्मचारियों को पक्का कर दिया है, और इनमें से बहुत से कर्मचारी ऐसे थे जो स्वयं कह रहे थे कि हमें इस कार्यकाल के अंदर पक्का किया है। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है कि निगम कर्मचारियों के हितों को देखते हुए हम कार्य करें, और आने वाले दिनों के अंदर भी आपको एक दो दिनों में और भी बहुत से कार्यक्रम ऐसे देखने को मिलेंगे। कार्यक्रम के बारे में हमने आपको दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि योगेश वर्मा जी का क्या कहना है। उनका ये कहना है कि महिलाओं को हमेशा सम्मान के रूप से देखना चाहिए, उनको हमेशा उनके जो योगदान है उनको सम्मानित करना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था, सभी महिलाओं को सर्टिफिकेट दिया गया है, और आज एक मूवी जो एक फिल्म है वो भी आज ऊपर ऑडिटोरियम रूम में उनको दिखाई जा रही है, ताकि वो भी थोड़ा समय निकाल के उसको देखे और अपने योगदान का उनको भी एहसास हो। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े मसाज देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।